वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों करीब एक साल बाद मैं आज घर जा रहा हूं, तो यूनिवर्सिटी निकल गए हैं। और ये देखिए, अभी पहला हम डेकर गांव स्टेशन में आए हैं और आपको दिखा। ये कामाख्या स्टेशन है, यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस स्टॉपेज है। ये देखो एक नंबर प्लेटफॉर्म में लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, चलो वंदे भारत एक्सप्रेस। हम लोग जाने वाले नहीं है, पर नहीं देखा तो मैं कभी सामने से आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये देखो उसका गेट है, ऑटोमेटिक गेट ऑफ एंड ऑन होता है, सामने सीसी कैमरा भी लगा हुआ है। जो कामाख्या स्टेशन है उससे जस्ट 100 से 200 मीटर दूर में एक मार्केट है। ये मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए। मैं जब अभी ट्रेन से उतरा, मेरे नेक्स्ट ट्रेन जो सरायघाट है वो 12:30 को है, तो एक घंटा लेट है। तो मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा मार्केट घूम लें आसपास का, और आप लोग भी दिखा जा रहा हूँ। अगर कोई आ रहे हो कामाख्या स्टेशन में और आपके पास टाइम है तो मार्केट घूम लेना थोड़ा। और आप लोग स्टेशन से कोई ऑटो भाड़ा और ऑटो रिजर्व मत करना, क्योंकि वो लोग 50 से 100 रुपये ले जाएंगे। जस्ट 100 से 200 मीटर के अंदर ये मार्केट है, और मार्केट में लग के बस स्टैंड है। तो ऑटो वाले आपको झूठ बोल के कि बहुत दूर है बोल के ज़्यादा पैसा ले लेंगे। तो आप लोग डायरेक्ट पैदल भी चल के आ सकते हो, अगर सामान है तो अलग बात है, नहीं तो बेकार में रिजर्व मत करना। और यहाँ होटल वगैरह भी है, आप लोग आराम से खाना बना कर सकते हो। हम लोग भी थोड़ा खाना बना ले लेंगे अपने लिए, क्योंकि सबको पता है ट्रेन का खाना तबीयत खराब कर सकता है। देखो यहाँ से स्टेशन दिख रहा है पूरा पूरा। और मैं इधर आए हैं हम लोग कुछ खाना लेने के लिए। ये होटल है, पंजाबी होटल। यहाँ से हम कुछ खाना पैकिंग करवा रहे हैं खाने के लिए, रोटी वगैरह, क्योंकि ट्रेन से हम नहीं खाएंगे। और देखो पूरा यहाँ से स्टेशन दिख रहा है, तो आप लोग आ सकते हो। अगर आप लोग को आधा घंटा भी मिल रहा है, आप लोग आके अच्छे से खाना लेके जा सकते हो। और हम लोग का मार्केटिंग ख़त्म हो गया। ये लोग कितना सारा चीज़ हम लेके आए हैं, पूरा खाना वाना कपड़ा वाता सब। और अभी बस हम वेट किए हैं सरायघाट एक्सप्रेस का, 12:30 तक लग जाएगा। फिर चलो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, मैं आपको उड़ीसा तक सफ़र दिखाऊँगा। और जैसे अभी हमारा उसके बाद आएगा हावड़ा स्टेशन, तो फिर मिलते हैं आगे हावड़ा स्टेशन में। सरायघाट एक्सप्रेस ऑलरेडी एक घंटा लेट है, तब भी 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है, ट्रेन का रुका रखा है, शायद लाइन क्लियर नहीं है। देखते हैं कब छोड़ेगा, अभी तो शाम हो गया है, अभी फिर रात भर जर्नी करना है। कल सुबह जाके हम पहुँचेंगे, 5 बजे का टाइम है, पर देखते हैं कब तक पहुँचा रहा है। ट्रेन रुकने की वजह से मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, देखता हूँ क्या मिल रहा है। और ये स्टेशन भी थोड़ा घूम लिया। देखो बहुत सारे साधु आज रिटर्न जा रहे हैं, इसी बीच हम शिव भगवान से मिल लिए। लोग सब कहाँ गए थे, कहाँ पे गए थे?
अच्छा अभी जो अम्बुबाची मेला चल रहा था, कहाँ से यहाँ पर? वेस्ट बंगाल। कितना दिन आप वहाँ रुके थे? 7 दिन। ये देखो कोलकाता का लोकल ट्रेन है, कैसे भरे हुए हैं सब जगह। और अभी देखो हमारा ट्रेन पीछे ही है, दोनों लोकल ट्रेन हमारे ट्रेन के क्रॉस करके चल गया। ये सरायघाट ट्रेन है, बहुत लेट, 3 घंटा ऑलरेडी लेट है, 3.5 घंटे का, तब भी प्लेटफॉर्म में लगा नहीं है। और इतना क्लीननेस नहीं है, वो बाथरूम वगैरह साफ अच्छे से होता नहीं, तो मेरे सजेशन है मैं तो नेक्स्ट टाइम से नहीं आऊँगा सरायघाट में। अभी हम लोग हावड़ा में पहुंच गए हैं, और मेरा एक्चुअली ट्रेन जो है रात को था समलेश्वरी ट्रेन, तो अभी हमारा ट्रेन जैसे लेट हुआ तो एक टिटलागढ़ ट्रेन है जो कि सुबह 6 बजे छूटने वाला था, उसका टाइमिंग 6 बजे, पर वो 9:30 का था, तो हमारे पास आधा घंटा टाइम है, तो हम लोग वही ट्रेन में टिकट कर ली और जो इवनिंग वाला ट्रेन का कैंसिल करवा दिया है, तो हम लोग को हावड़ा में घूमने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। ये देखो हावड़ा स्टेशन का जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ हावड़ा स्टेशन, और इसके बाद मेरा टिटलागढ़ ट्रेन लगा है। देखो ये टिटलागढ़ का जो ट्रेन है, ये हावड़ा, ये टिटलागढ़ हावड़ा कंटाबंजी है, तो हम लोग इसमें से राउरकेला में उतर जाएंगे। ये वाला हावड़ा स्टेशन है, हम लोग 22 नंबर प्लेटफॉर्म में है, क्योंकि 22 नंबर प्लेटफॉर्म में देखो कितना सुंदर डेकोरेशन किया गया है, छोटे छोटे प्लांट है। फाइनली हम अपने मंजिल पे पहुंच गए हैं राउरकेला, और ये सफर में मेरे साथ राउरकेला तक, और ये सफर में मुझे मनीषा साथ दिया और मनोहर छुप जा रहा है, और बहुत अच्छे से पहुंचे। करीब 37 से 38 घंटा का जर्नी है, हम लोग पूरा कंटिन्यूसली जर्नी किए हैं, जैसे तेजपुर से निकले वहां से 400 किलोमीटर पड़ा हमको गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर 1000 किलोमीटर हावड़ा, 2 ट्रेन चेंज हुआ, फिर उसके बाद हम लोग सरायघाट के बाद इस बार ट्रेन लेके आए। करीब
ये राउरकेला स्टेशन है, बट हम लोग अपने घर पहुँचे नहीं हैं। यहाँ से मेरे घर और 80 किलोमीटर है, तो हमको बस लेना पड़ेगा। 80 किलोमीटर के बाद करीब रात 10 से 11 बजे तक हम पहुँच जाऊँगा। पर मेरा जो सफ़र है बहुत मुश्किल, 3 ट्रेन चेंज किए हैं और आखिर में ओडिशा के राउरकेला पहुँच गए हैं। आपको मैं ये राउरकेला स्टेशन का व्यू दिखा के बाहर का थोड़ा व्यू दिखाऊँगा। Thank you.